हमारा आज का गीत है जीवन चलने का नाम। ये गीत मनोज कुमार की फिल्म शोर से है जो 1972 में रिलीज हुई थी। 9 साल की उम्र में जब लोग ब्रिटिश राज के खिलाफ आवाज उठा रहे थे ना, तब तुलसी को ब्रिटिश पुलिस द्वारा कविता की 6 पंक्तियों को लिखने के लिए गिरफ्तार कर दिया गया था। तो संस्कृत में एक उक्ति आती है कि यानि कानि च मित्राणि कर्तव्यानि शतानि च। नमस्कार और स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल के जनक हैं MIT ग्रुप के अधीष्ट विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। पिछले कुछ हफ्तों से हम ऐसे गीतों में अध्यात्म ढूंढ रहे हैं जिसमें जीवन का फलसफा छिपा है। आज के गीतकार हैं राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी, जिनका जन्म 2 अप्रैल 1926 को कनकच्छा लाहौर में सरदारनी बसंत कौर और सरदार मूल सिंह के यहाँ हुआ था। उन्होंने अपने पिता को तब खो दिया जब वो केवल 2 वर्ष के थे। उनके जमींदार पिता उनके लिए कई जमीनें छोड़ गए थे। ये वो दौर था जब महिलाएं संपत्ति की मालिक नहीं हो सकती थी और जमीन के लिए युवा पुरुष उत्तराधिकारियों की हत्या करना एक आम बात थी। पिता की अनुपस्थिति में अपने इकलौते बेटे इंद्रजीत सिंह तुलसी को उनकी माँ 12 साल तक की उम्र तक उन्होंने छुपा के रखा। वो शब्द और कीर्तन सिखाती थी लोगों को गुरुद्वारे में। वे उन्हें इंद्रजीत सिंह तुलसी को सफ़ेद चादर में ढक देती थी इस डर से कि लोग कहीं मारकर उनकी जमीन न छीन लें। 9 साल की उम्र में जब लोग ब्रिटिश राज के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे ना, तब तुलसी को ब्रिटिश पुलिस द्वारा कविता की 6 पंक्तियों को लिखने के लिए गिरफ्तार कर दिया गया था, जिसे उन्होंने मंच पर अंग्रेज़ों से देश छोड़ने का अनुरोध करते हुए सुनाया था। नाबालिग होने के कारण उन्हें उस दिन रिहा कर दिया गया। और फिर 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन के बाद इंद्रजीत सिंह तुलसी ने भारतीय रेलवे के लिए काम करते हुए अपना लेखन जारी रखा। बाद में तुलसी अमृतसर के खालसा कॉलेज में सिख भजनों का गायन का अध्ययन करने के लिए भी गए। अपने कॉलेज के वर्षों के दौरान 18 साल की उम्र में तुलसी ने सुरेंद्र कौर से शादी की और पंजाब के फिरोजपुर में बस गए, जहाँ एक रेल उत्सव में कविता पाठ करते हुए रेल मंत्री जगजीवन राम ने उन्हें कविता से प्रभावित होकर उनकी पदोन्नति कर दी और नई दिल्ली उनका ट्रांसफर कर दिया। दिल्ली में इंद्रजीत सिंह तुलसी कवि सम्मेलन में कविता पाठ करते हुए आगे बढ़ रहे थे। एक देशभक्त कवि होने के नाते राजकवि तुलसी अपने देश की सेवा करने में अधिक केंद्रित और रुचि रखते थे। उन्होंने फिल्मों के लिए गीत लिखने के बारे में कभी नहीं सोचा था। और फिर कुछ साल बाद मनोज कुमार एक कवि सम्मेलन में भाग ले रहे थे। उन्होंने राजकवि इंद्रजीत सिंह की कविता सुनी। मनोज कुमार ने उनके काम की सराहना की और उन्हें अपनी आगामी फिल्म शोर के लिए अनुबंधित किया। और फिर तुलसी ने पानी रे पानी तेरा रंग कैसा और जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह शाम जैसे हिट गीत लिखे। राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी राज कपूर, NNCP और BR चोपड़ा के साथ भी जुड़ गए थे। उन्होंने फिल्म बॉबी के लिए बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो, फिल्म कर्म के लिए समय तू धीरे चल और फिल्म कालीचरण के लिए जा रे जा रे हर जाई जैसे गीत लिखे। राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी के बारे में और भी जानकारी देना चाहूँगा, लेकिन उसके पहले उनके लिखे आज के गीत में ढूंढेंगे अध्यात्म। चर्चा में भाग ले रहे हैं डॉक्टर सुनील देवधर और मानसी काटदरे। नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल पर। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। इस प्रोग्राम की प्रेरणा डॉक्टर सुनील देवधर जी की पुस्तक बड़े अनमोल गीतों के बोल से मिली है, जो हिंदी फिल्मों के गीतों में छिपे अध्यात्म को दर्शाता है। और हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर सुनील देवधर जी। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार। नमस्कार मानसी जी। हमारा आज का गीत है जीवन चलने का नाम। ये गीत मनोज कुमार की फिल्म शोर से है जो 1972 में रिलीज हुई थी। तो चलिए सुनते हैं ये गीत। जी। जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह शाम, जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह शाम, जो जीवन से हार मानता उसकी हो गई छुट्टी, नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरी मेरी हो गई खुट्टी, ओ जो जीवन से हार मानता उसका हो गया छुट्टी, नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरा मेरा हो गया खुट्टी, रूठा यार बना मित्रा के यार को यार बना मित्रा, न खुद से रखो खपा मित्रा खुद ही से बने खुदा मित्रा, जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह
किसी ने बहुत खूबसूरती से कहा था, यू विल फेस मेनी डिफीट्स इन लाइफ बट डू नॉट लेट योरसेल्फ बी डिफीटेड। सुनील जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे ये कहावत हमारे सॉन्ग से काफ़ी मिलती जुलती है? स्पेशली जो ये लाइनें हैं, दुख से रुकना ना मित्रा कि एक पल रुकना ना मित्रा, इसके पीछे क्या अध्यात्म छिपा है? जितना कष्ट कंटकों में से जिनका जीवन सुमन खिला, जो आपने बात कही है, हाँ, जितना कष्ट कंटकों में से जिसका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। तो जब आप कष्टों से और कंटकों से बाहर निकलते हैं, तब फिर जिसको कहते हैं ना कि सोना उस पे घिसने के बाद ही तपके ही वो सोना होता है, तो अगर आप तपते हैं तो बेशक निखरते हैं, वही वाली बात है। और इसमें जो आपने वो हिम्मत और मित्रा वाली बात की है, तो संस्कृत में एक उक्ति आती है कि यानि कानि च मित्राणि कर्तव्यानि शतानि च, कि आप सैकड़ों मित्र बनाओ, क्योंकि मित्र का मतलब ही ये है कि जो आपके दुख में आपके कष्ट में आपको साथ दे, और यहाँ तक कि अगर कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आपको धन भी दे, तो वो मित्र है। इसलिए बार बार इस गीत में मित्रा 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 संबोधन लगातार आ भी रहा है। और हिम्मत के बिना तो जीवन चलता ही नहीं, जीवन चलने का ही नाम है। और चलने का नाम इसलिए है कि अगर हम भारतीय रेल से इसकी तुलना करें तो आप ये देखिए कि भारतीय रेल, उसका पहिया कभी रुकता नहीं, चलती ही रहती है। तो उसी तरह जीवन है, जीवन सुबह शाम की तरह ही है, सुबह शाम भी रुकती नहीं, चलती रहती है जी। और इसीलिए इस गीत में भी वो बात आ रही है, चलते रहो सुबह शाम, चलना ही पड़ेगा, क्योंकि सुबह शाम चल रही है तो आपको भी उसके साथ चलना है जी। बिल्कुल सही। तो आगे की पंक्तियां सुनते हैं। ओ, उजली उजली भोर सुनाती तुतले तुतले बोल, उजली उजली भोर सुनाती तुतले तुतले बोल, अंधकार में सूरज बैठा अपनी कठड़ी खोल, के उससे आंख लड़ा मित्रा, समय से हाथ मिला मित्रा, के हो जा किरण किरण मित्रा, के चलता रहे चलन मित्रा। है जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम, के चली घर जाएगी मित्रा, ये सूरज चढ़ जाएगा मित्रा, काफिला बढ़ जाएगा मित्रा। ओए जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। सुनील जी, इस गीत में जिंदगी को दिन के हर समय के साथ बहुत खूबसूरती से कंपेयर किया जाता है। उजली भोर के वर्णन से शाम के रंग महल में तपती हुई दोपहर तक, और फिर रात के बिखरने से सूरज के चढ़ जाने तक जी। आपको नहीं लगता कि हमारी जिंदगी के रंग भी कुछ ऐसे ही हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, हम प्रकृति से कटकर न तो रह सकते हैं और न जी सकते हैं। और इसीलिए जिन पंक्तियों का जिक्र आप कर रही हैं, आप ये देखिए कि जब सूरज चढ़ता है तब थोड़ा सा लाल होता है जी। जब सांझ के साथ में मिलता है, ढलता है, तब थोड़ा सा वो लाल गुलाबी होता ही है। तो इसी तरह से तो हमारे जीवन के रंग भी हैं। तो हम प्रकृति के साथ न तो कट सकते हैं और न ही रह सकते हैं। और जो आपने बात कही है कि उजली उजली क्या सूरज अपनी गठड़ी बांधे, हाँ, क्या उसमें पंक्ति है, तो आप ये देखिए कि जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार भी है, और जहाँ अंधकार है वहाँ थोड़ा प्रकाश भी है। वो कैसे? अब जैसे यहीं स्टूडियो से बात करें, हाँ जी, कि जहाँ प्रकाश है वहाँ भी अंधकार शामिल है। आप ये देखें कि यहाँ अभी एक हेलोजन चल रहा है जी। ठीक है,
अगर अभी 5 और हैलोजन जल जाएं, तो प्रकाश और बढ़ जाएगा। इसका मतलब इस प्रकाश में थोड़ा अंधेरा था जो 5 हैलोजन के जलने से और उजाला हो गया। जी। इसी तरह से हमारे जीवन में भी है कि हमारे जो जीवन में जिस तरह से हमारी आध्यात्मिक अवस्था जब आगे बढ़ने लगती है ना, तो उसमें ऐसा होता है कि हम कुछ सोए रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम सोए में भी जगे हुए होते हैं और जगे में भी सोए से रहते हैं। तो वो यही बात है कि प्रकाश में थोड़ा अंधकार शामिल है और अंधकार में प्रकाश की उपस्थिति है, क्योंकि अगर अंधकार ही अंधकार है तो एक छोटे से दिए से, एक छोटे से जुगनू से भी वो उतनी देर के लिए अलग क्यों होता है। तो उस अंधकार में भी प्रकाश उपस्थित है और प्रकाश में अंधकार तो शामिल है ही। अगर एटम बम फूट जाए तो जाने कितने सूर्यों के बराबर का उजाला हो जाएगा। जी। इसका मतलब हम अगर अपने कमरे में बैठे हैं और ये कहते हैं कि यहाँ उजाला है, तो फिर बल्ब क्यों जलाते हैं, यानी थोड़ा अंधेरा शामिल है। जी। तो यही स्थिति अध्यात्म में मनुष्य के मनोभाव की भी है कि वो जागा हुआ भी है और सोया हुआ भी है। बहुत सुंदर। आगे की पंक्तियां सुनते हैं। हिम्मत अपना दीन धर्म है, हिम्मत है ईमान, हिम्मत अल्लाह, हिम्मत वाहगुरु, हिम्मत है भगवान। ओए ओए, हिम्मत अपना दीन धर्म है, हिम्मत है ईमान, हिम्मत अल्लाह, हिम्मत वाहगुरु, हिम्मत है भगवान। किस पे मरता जा मित्रा, सजदा करता जा मित्रा, किसी से झुकाता चल मित्रा, के जग पर छाता जा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रब सुबह शाम, जीवन चलने का नाम, चलते रब सुबह शाम। ये रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल छट जाएगा मित्रा, चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। सुनील जी, इस गाने में हिम्मत यानी कि स्ट्रेंथ, करेज को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है, खासकर अभी जो सुनी थी उन पंक्तियों में, कि अगर हम हिम्मत को अपना धर्म बना लें तो जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं, ऐसी कठिनाइयां आती हैं जिसके वजह से हम हिम्मत हार जाते हैं। जी। तो उस वक्त क्या करना चाहिए? केवल यही बात नहीं है कि आप हिम्मत हार कर बैठते हैं, आपको अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए भी रुकना पड़ता है। समझ लीजिए कि आपको एक 5 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए दे दिया, तो 5 किलोमीटर अगर आप लगातार दौड़ते चले जाएंगे, जो कि आपकी प्रैक्टिस में नहीं है, तो फिर आप 5 किलोमीटर तक पहुंच ही नहीं सकते। तब आप थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। तो रुकते किस लिए हैं कि आगे बढ़ने के लिए रुकते हैं। तो वही बात, हिम्मत ऐसी भी नहीं कि हनुमान कूद हो जाए, कि आप में सामर्थ्य तो है नहीं लेकिन आप कूद गए, उसी को हनुमान कूद कहा जाता है। तो सामर्थ्य के हिसाब से ही आपको आगे बढ़ना है। और हिम्मत, हिम्मतें मर्दा मददे खुदा, कि आदमी में हिम्मत और उसके लिए मदद ईश्वर की, वो कहावत ही इसीलिए बनी है और इसीलिए बार बार हिम्मत का जिक्र इसमें आ रहा है। आपने जो अभी 5 किलोमीटर की रन के बारे में बात किया, तो उससे मुझे याद आया कि मैंने मैराथन थोड़े साल पहले किया था, विच इज 42 किलोमीटर्स, एंड फुल मैराथन। हाँ जी, फुल मैराथन। तो उसमें वही, मतलब आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल एकदम सही लगी मुझे, कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है, लेकिन हिम्मत का ये मतलब नहीं है कि आप बस लगे रहें, क्योंकि बीच बीच में ऐसे मोड़ आ रहे थे जहां मुझे रुकना पड़ा, मुझे लग रहा था कि मुझे अगर और आगे जाना है तो यहां रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा यहां सांस लेनी पड़ेगी, फिर आगे जाऊंगी, और वहां हिम्मत नहीं हारी। मुझे लगता है कि करेज इजंट अबाउट हैविंग द स्ट्रेंथ टू गो ऑन, बट इट इज अबाउट गोइंग ऑन व्हेन वी डोंट हैव द स्ट्रेंथ, जैसे मैंने अभी कहा। आई होप आप सभी को आज का प्रोग्राम पसंद आया हो। देखते रहिए गीतों के बोल बड़े अनमोल। थैंक यू सो मच सुनील जी, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल।
राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी एक भारतीय देशभक्त कवि और बॉलीवुड गीतकार और लेखक थे। पंजाबी, हिंदी और उर्दू में उनके लेखन ने जीवन के हर पहलू को कवर किया, जिसमें धर्म, रोमांस, मजदूरों का जीवन, देश के संघर्ष सब कुछ शामिल था। इसके अलावा वो अपने लेखन में सादगी के लिए भी जाने जाते हैं। इसी दौरान तुलसी भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहुत करीब आ गए, जो उनकी कविता से बहुत प्रभावित थे और उनकी बड़ी इज्जत भी करते थे। ये नेहरू ही थे जिन्होंने राजकवि तुलसी को कई राष्ट्रीय समारोहों में कविता पाठ करने के लिए आमंत्रित किया, और जहाँ तुलसी सबसे पहले शो की शुरुआत करते थे। और फिर 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए इंद्रजीत सिंह तुलसी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों में भेजा। वहाँ कविता पाठ करते समय एक सिपाही बड़ी ऊंचाई पर अकेला तैनात था, जहाँ उसे तुलसी की कविता सुनाई नहीं दे रही थी। तुलसी विशेष रूप से 1000 फीट ऊंचे क्षेत्र में चलकर उस सैनिक के पास गए और कविता सुनाकर उसका मनोबल बढ़ाया। लद्दाख से लौटने के बाद तुलसी ने हिंदी और पंजाबी में कविता के विभिन्न संग्रहों की अपनी पहली पुस्तक लिखी, जिसका नाम था बर्फ बने अंगारे, और लद्दाख में बिताए अपने समय से प्रेरित उनकी दूसरी पुस्तक सुर सिंगार लिखी। उन्होंने सिख धर्म पर किताबें भी लिखी। पहली विशेष रूप से पहले सिख गुरु गुरु नानक के जीवन पर केंद्रित थी, जिसे परम पुरुष गुरु नानक देव जी कहा जाता है, और दूसरी सिखों के अंतिम गुरु पर केंद्रित थी, जिन्हें दरवेश पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी कहा जाता था। ये पुस्तकें आज भी ऐसा माना जाता है कि पंजाब विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। और फिर तुलसी को 1962 में मान्यता मिली, जब उन्हें पंजाब के राज्यपाल नरहर विष्णु गाडगिल द्वारा पंजाब के राजकवि का खिताब दिया गया था। राजकवि पुरस्कार के बाद 1966 में उन्हें कला और शिक्षा में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने स्वयं के बैनर पर फिल्म प्रोडक्शन पर तुलसी प्रोडक्शन के तहत पंजाबी फिल्मों का निर्माण किया, जिनमें योगराज सिंह और गीता बहल अभिनीत यार गरीबदा और किरण कुमार और पाकिस्तानी नायिका जायरा अभिनीत थी। फिल्म थी वो लाडली। तुलसी हमेशा मंच पर ही कविता पाठ करते हुए ईश्वर में विलीन होना चाहते थे, और इसीलिए एक कविता पाठ के दौरान 1984 में दिल का दौरा पड़ने से राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी का निधन हो गया। विश्व शांति दर्शन की ओर से राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी को शत शत नमन। बोलो अभय हो आर्य वीरो, आज वंदे मातरम, सुख दुख यही है धर्म धीरो, आज वंदे मातरम। पहले या बाद में किसी भी बंगाली लेखक ने बंकिम जैसी सहज और सार्वभौमिक लोकप्रियता का आनंद नहीं लिया। उनके उपन्यास का भारत की लगभग सभी प्रमुख भाषाओं में अनुवाद किया है। इस गाने के पहले दो पैराग्राफ्स, पहले दो स्टैंजा हैं, प्रारंभिक तौर पर संस्कृत में लिखे गए थे और बाकी का पूरा गाना बांग्ला में लिखा है। बंकिम बाबू को ये इस तरह की एक अनुभूति हुई कि माँ दुर्गा और भारत माँ दोनों को समवेत रूप में उन्होंने अपनी कल्पना में देखा। सब्सक्राइब कीजिए और साझा कीजिए विश्व शांति दर्शन, और देखते रहिए गीतों के बोल बड़े अनमोल।